हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली हैं बारिश की गतिविधियाँ। आज राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों के अंदर देखा जाए तो कई जिलों में मध्यम तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। आने वाले 24 घंटों के बाद राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भागों से सटे पंजाब के आसपास बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में विशिष्ट श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू से लगाकर सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास से लगाकर कई पूर्वी राज्यों की पूर्वी जिलों में देखा जाए तो कई इलाकों में मध्यम तेज तो कुछ कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में मानसून ट्रफ राजस्थान के उत्तरी इलाकों से सटे हुए इलाकों से होकर उत्तर प्रदेश के इलाकों में और बिहार के आसपास बने एक सर्कुलेशन तक बनी हुई हैं। इसी सिस्टमों के प्रभाव से देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में मध्यम तेज तो कई कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों से लगाकर अगले 12 अगस्त तक देखा जाए तो इन क्षेत्रों में कई कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। मध्य राजस्थान तक देखा जाए तो 9 अगस्त से लगाकर 10-11 अगस्त के आसपास मध्य राजस्थान के कई इलाकों में, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर व कोटा संभाग के कई इलाकों में भी तेज मूसलाधार तो कई कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो 10-11 अगस्त के आसपास इन क्षेत्रों में भी कई कई खंड बारिश की गतिविधियाँ संभावित हैं। कुछ इलाकों में मध्यम तेज तो कई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में देखा जाए तो पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अरब सागरी शाखा से आने वाली नमी का प्रभाव लगातार राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर देखने को मिलता रहेगा, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कई कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज है और राजस्थान के किन किन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज के माध्यम से तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में घने बादल नजर आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में सुबह के समय से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का देखने को मिल रही है। वर्तमान में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से भी मध्य भारत के आसपास लगातार घने बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। विशेष बात करें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के आसपास से लगाकर देखा जाए तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर के आसपास लगाकर जायल, अजमेर की तक देखा जाए इन क्षेत्रों में बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कोटा संभाग के आसपास भी कहीं कहीं मध्यम तेज तो अगले 24 घंटों से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं। कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां कोटा, भरतपुर, जयपुर व सीकर संभाग के कई इलाकों में देखने को मिलेगी। वर्तमान में देखा जाए तो सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर हनुमानगढ़, पल्लू, नौहर, भादरा, सरदारसर, लोनकरणसर तक देखा जाए तो तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। राजगढ़, चूरू, झुंझुनू, डूंगरगढ़ से लगाकर सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, श्रीमाधोपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी हैं और अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कोटपूतली, अलवर, विराटनगर से लगाकर फुलेरा, जयपुर, चाकसू, दौसा, महुआ, भरतपुर के आसपास के संपूर्ण इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। मालपुरा टोंक से लगाकर सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के इलाकों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां संभावित हैं, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन क्षेत्रों में आने वाले समय में देखा जाए तो 9 अगस्त से लगाकर 13 अगस्त के मध्य कई इलाकों में मध्यम तेज तो पाली व जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी।
उदयपुर व कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतियां 9 अगस्त से लगाकर 13 अगस्त के मध्य के समय में देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो बीकानेर, सीकर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कई इलाकों में आने वाले समय में भारी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ इलाकों में 300 से लगाकर 400 mm की बारिश की गतियां जयपुर, भरतपुर व सीकर संभाग के कुछ इलाकों में संभावित हैं। दिल्ली, हरियाणा व पंजाब जैसे इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां हो सकती हैं। विशेषतः भारी बारिश की गतियों की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू व जयपुर के इलाकों में संभावित हैं। अजमेर, नागौर और टोंक, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास के इलाकों में भी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतियां अगले 24 से 48 घंटों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो मानसून ट्रफ इन्हीं क्षेत्रों के आसपास केंद्रित हैं और अरबी सागरी शाखा से आने वाली नमी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से और वर्तमान में बने सर्कुलेशन के प्रभाव से देखा जाए तो इन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश की गतियां देखने को मिलती रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में बने वर्तमान में सिस्टम का ट्रैक भी देखा जाए तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से लगातार आने वाले एक सप्ताह तक राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में भारी बारिश की गतियों का दौर जारी रह सकता है। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो बड़ पाप कटा दिया है। फोन रो कर हुआ दूं वीडियो पाप कटा दी। फोन बजन लोग जी इसमें।